देहरादून में पुलिस ने कुछ दिन पहले हुए डबल मर्डर का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पुलिस को निरंकारी आश्रम से दो शव बरामद हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर हत्या का खुलासा किया। दरअसल निरंकारी भवन में निर्माण कार्य चल रहा था, इसी दौरान दोनों युवकों की डंपर से एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो गई थी। मोबाइल फोन इनकी डिटेल लेने के बाद और आसपास के लोगों से पूछताछ के उपरांत ये पाया गया कि ये देवेंद्र कुमार सैनी, जो कि वहाँ ट्रक चलाता था, डंपर से मिट्टी पाड़ता था, उसके द्वारा एक व्यक्ति जो है वो रात में जिसकी लाइट नहीं जल रही थी और कुछ आंखों पे चमक पड़ गई थी, कमल राम जो मृतक था, एक मृतक था, उसके मृतक के मोबाइल सॉरी उसके मृतक के टॉर्च की चमक की वजह से और मृतक के डिसबैलेंस हो जाने की वजह से इसके ट्रक का एक पहिया, अगला पहिया का कुछ हिस्सा चढ़ गया था। वहीं पुलिस ने डंपर चालक सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।